नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के किडनी ट्रीटमेंट में लखनऊ क्लिनिक से ये हमारे रमजान अली जी हमारे पास कुछ लगभग 3 महीनों से किडनी का इलाज करवा रहे हैं। ये जब आए हुए थे तो इनका क्रिएटिनिन कुछ बढ़ा हुआ था, ये कुछ लगभग 10 के आसपास था और ये आज ये नॉर्मल रेंज पे आ रखा है। नमस्कार रमजान जी। अच्छा, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? चलो ठीक ठीक है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप आए थे उस समय आपका क्रिएटिनिन कितना था? 10 के आसपास था। और जो आपका ईजीएफआर था वो कितना था? ये आपका 5 के आसपास था। ठीक है। अच्छा, और उस समय आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी जब आप हमारे पास आए थे, इलाज आपने स्टार्ट किया था? उस समय दिक्कत हो रही थी, मतली हो रही थी, उल्टी सी हो रही थी, कमजोरी बहुत थी मेरे जी, काफी दिक्कतें थी। अच्छा, और अभी लगभग दो महीने का इलाज आपने लिया है, 2 महीनों में आपको क्या क्या चीजों में सुधार आया है और क्या क्या चीजें अच्छी हुई है? किडनी तो सबसे अच्छा हो गया है, बाकी बहुत बेहतर है। जी। अच्छा, अभी जी फिजिकली जैसे आपने बताया कि कमजोरी लग रही थी, उल्टी हो रही थी, मछली आ रही थी, तो वो चीजों में किस कैसा सुधार है आपको? बहुत अच्छा, एकदम सही। भूख कैसी लग रही है अभी आपको? काफी लग रही, 3 बार खाता हूँ दिन में। ओके। अच्छा, जब आप आए थे तो आपके पैरों में भी सूजन रहता था, अभी आपको सूजन की दिक्कत रहती है? हाँ, काम करता हूँ, थोड़ी रहती है, थोड़ी हल्की सी रहती है, बट पहले से चीजें ठीक हैं? ठीक है। अच्छा, और जब आप आए थे उस समय क्रिएटिनिन आपने बताया कि आपका क्रिएटिनिन 10 के आसपास था और अभी 2 महीने का इलाज लेने के बाद आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है, कुछ ये 0.67 के आसपास आ गया है और आपका जीएफआर बढ़ के 128 के आसपास आ गया है। ठीक है। अभी पेशाब में कोई दिक्कत या कोई और दिक्कत रहती है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जब आप आए थे तो उस समय कुछ नसों में भी दिक्कत रहती थी, पैरों में झंझनाहट, दर्द, सूनापन भी रहता था, वो चीजें कैसी हैं? वो थोड़ा बेहतर है। ठीक है। और अभी खाने पीने में जो आपको डाइट दिया गया था वो आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं? अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो आपको डाइट से रिलेटेड या योगा से रिलेटेड जो चीजें आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे या हमारी टीम ने आपको उसमें किसी तरह का कोई हेल्प किया? हाँ, बताया, कई बार बताया, जो हमारे डाइटिशियन है, योगा इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने बार बार आपका हेल्प भी किया, चीजों को गाइड भी किया। ठीक है, जिसके कारण से आज रिजल्ट ऐसा है कि जो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी और जो डायलिसिस के कंडीशन के आसपास आप थे, जो चीजें अब बिल्कुल नॉर्मल आ गई। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी जो है अच्छा, अभी पैरों में जो आपका झंझनाहट सूनापन था वो कैसा है? अभी है पैरों में, उंगलियों में, केवल उंगलियों में है, पैरों में नहीं है? उंगलियों में नीचे के हिस्से में, घुटने से नीचे है, घुटने के हिस्सों में है, बाकी और चीजें ठीक है। ठीक है। अच्छा, और दवाइयाँ जो आपको चल रही थी, दवाइयाँ लेने में कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो योगा आपको बताया गया था या बीच में आप हमारी टीम से जब कोई सपोर्ट या आप फोन करते हैं तो उनका कैसा रिस्पांस रहता है आपको लेके? अच्छा रहता है, अच्छी चीज बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इन 2 महीनों में आपको कर्मा में इलाज करा के कैसा लगा? और आप ठीक लगा? और आप आगे के लिए किसी को भी अगर सजेस्ट करना हो कर्मा के लिए तो क्या आप कैसे उन्हें सजेस्ट करेंगे? हम तो बताएंगे बेहतरी, बेहतर आदमी आए ले इलाज करवाए। ओके, अच्छा है ये चीज। ठीक है। अच्छा, आपको हमारे लखनऊ क्लिनिक से, दिल्ली के हेड ऑफिस से या हमारी पूरी टीम से किसी तरह की कोई शिकायत या कोई कंप्लेन है? नहीं, कोई नहीं। मतलब उन्होंने आपको हर तरह से जैसा भी आपने हेल्प मांगा या कन्वर्सेशन किया आपको उन्होंने पूरा हेल्प किया? ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, और अभी आगे के लिए जो डॉक्टर